जिले के महेंद्र गांव में इन दिनों पानी की समस्या बनी हुई है। नगर जलदाय विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों ने समस्या को लेकर उच्च अधिकारियों को इसकी शिकायत भी की, मगर कोई कार्यवाही नहीं हुई। आपको बता दें, गर्मी के मौसम में लोगों को पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। गाँव में लगे हैंडपंप में पिछले काफी समय से पानी नहीं आ रहा है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। आपको बता दें, चुनावी समय में और नेता एक दूसरों की टांग खींचने में लगे हुए हैं, लेकिन लोगों की समस्या की ओर किसी का ध्यान नहीं है। तो पहले बता भैया, क्या दिक्कत हो, क्या परेशानी है आपको? अरे भैया, बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। देखो, हम करीब आधा एक घंटा से नल चला रहे हैं, एक डब्बा भी हमारा पूरा नहीं भर पाया है। और इतनी बड़ी ग्राम पंचायत होने के बावजूद भी देखो, यहाँ पानी की समस्या है। एक नल नहीं, यहाँ पे कम से कम 10 नल हैं। 10 नलों में कहीं पानी नहीं निकलता है, कहीं पाइप पूरे नहीं पड़ रहे हैं, कहीं कुछ समस्या है। चुनाव का समय चल रहा है, नेता लोग सभी अपने एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। किसी को जन समस्याओं के बारे में कोई भी मतलब कोई नहीं सोच रहा है कि लोग बाग कितने परेशान हो रहे हैं। विकराल गर्मी पड़ रही है, और ऐसे में यदि पानी नहीं मिलेगा तो बताइए फिर जनता का कैसे उद्धार होगा। ये बताइए, ग्राम पंचायत की तरफ से कोई यहाँ पे टैंकरों की व्यवस्था नहीं की गई? नहीं भैया, कोई किसी प्रकार की कोई टैंकर की यहाँ व्यवस्था नहीं की गई है, और ना ही किसी प्रकार से किसी सामूहिक रूप से किसी कोई पानी की व्यवस्था बनाई, पानी की व्यवस्था नहीं बनाई गई। क्या नाम है आपका और कौन सी ग्राम पंचायत है ये? मेरा नाम शरद कुमार त्रिपाठी है, और मैं ग्राम पंचायत मोहंद्रा का रहने वाला हूँ। श्रीमान, क्या चाहते हैं आप?